जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो जो डिस्कशन हम लोग पहले किए हुए थे उसमें से ऐसे एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में बताते हैं कि जो हमारा पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है उसके बारे में समझेंगे। तो अगर हम प्लेट के मूवमेंट को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें ये एकदम आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया डेंजर है ना। क्यों जो पैसिफिक ओशियन है उसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्यों वहाँ पे हमेशा, फिर देखेंगे कि हिमालय वाला रीजन में क्यों हमेशा भूकंप आते रहता है ना, गुजरात वाला रीजन में क्यों भूकंप आते रहता है, हम ये सब सारा चीज़ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको, हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आप ये मैप देख रहे हैं। ओके, एक ये जो है आपका यहाँ इंडिया है, देखिए आप ये वाला आपका इंडिया है। ओके, ये अफ्रीका, ये हो गया एशिया है ना, ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ठीक है, देखिए जो बीच वाला पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट, ये क्या है, अटलांटिक महासागर। ये क्या है, इंडिया में से क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, फिर ये आपका हो गया आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक और नीचे में होता है अंटार्कटिका, ये वाला साउदर्न ओशियन होता है। और ये वाला पार्ट देखिए, अगर ये जैसे पृथ्वी गोल ना है, पृथ्वी गोल है इस तरीके से है, तो आधा पार्ट यहाँ दिखाया गया है और इसी का मतलब इधर वाला पार्ट को यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न पैसिफिक और इसको बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, इंडिया के इधर ईस्टर्न पैसिफिक हो गया, इंडिया के इधर ये वेस्टर्न पैसिफिक हो गया। ओके, अब यहाँ पर क्या हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो लैंड है, जो पृथ्वी के ऊपर यही सब लैंड ना है बड़ा बड़ा, ये एशिया लैंड है ना, ये आपका अफ्रीका लैंड, ये नॉर्थ अमेरिका लैंड, ये साउथ अमेरिका लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये है अटलांटिक, ये है पैसिफिक, ये है इंडियन ओशन, यही सब तो प्लेट है। तो देखेंगे कि ये प्लेट मूवमेंट आखिर कर कैसे रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले देखते हैं, ये यहां से देखते हैं। ठीक है, यहां से देखते हैं। देखिए ये एक, ये नॉर्दर्न अमेरिका, ये क्या है, नॉर्दर्न अमेरिका, ये जो है एक प्लेट है जो लगभग यहां से, ये जो है ये बीच का पार्ट है। ये क्या है आपका बीच का पार्ट है, ये क्या है बीच का पार्ट है, एक इधर और इधर, मतलब इस लाइन के, इस रीच के ये साइड है ना, अगर हम ये बात करें यहां तक ये पूरा, तो ये एक प्लेट होता है। क्या होता है, एक प्लेट है। ठीक है, ओके, या फिर हम इसको पूरा ले लेंगे तो क्या होगा, ये एक प्लेट होगा। इसको पूरा अगर हम ले लेंगे, इसको पूरा ये रीच के इधर ले लेंगे पूरा, ये क्या हो गया, एक प्लेट हो गया। ठीक है, ये जो नॉर्दर्न हम लोग देख रहे हैं पैसिफिक ओशियन, ये समुद्र का क्रस्ट है, समुद्र का लैंड है। तो एक जो आपका प्लेट है वो यहाँ है, ये इधर है ना। अगर हम इधर की बात करें तो एक प्लेट क्या है, इधर है, एक प्लेट क्या है, ये पूरा एक प्लेट है, ये पूरा क्या है, एक प्लेट है। ठीक है, और इस रीच के इधर ये जो है आपका, ये रीच जो है एक ये अफ्रीका वाला एक प्लेट हो गया है ना, एक इधर ये एशिया एक प्लेट हो गया, एक क्या हो गया, एक एशिया प्लेट हो गया। ठीक है, ओके, पहले हम देखते हैं ये दोनों को निपटा देते, उसके बाद उधर देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कैसा मूवमेंट है। देखिए ये जो प्लेट दो भागों में यहाँ से प्लेट दो भागों में बटा हुआ, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब दो प्लेट आपस में, जब उसको देख, हम लोगों ने देखा था कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंस। क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जेंस मूवमेंट कहते हैं। और जब डाइवर्जेंस मूवमेंट होता है तो बीच में क्या बनता है, बीच में खाली स्पेस बनता है। और इस खाली स्पेस में होता क्या है, वोल्केनो इरप्शन होता है। और इस वोल्केनो के कारण क्या होता है, पहाड़, पर्वत का निर्माण, समुद्री
के नीचे जो है वो निर्माण होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ हुआ है, यहाँ पे ये जो दो प्लेट है, एक प्लेट ये और एक प्लेट, ये जो प्लेट है इधर वाला वो इधर जा रहा है, और यहाँ सा जो प्लेट है अटलांटिक महासागर वो इधर आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि बीच वाला जो बीच में है वो खाली जगह पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, जब खाली जगह हो गया और इस कारण से यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज होता है, और वोल्केनिक एक्टिविटीज होता है तो यहाँ बहुत लंबा लंबा क्या है, पहाड़ का सीरीज बना हुआ है, बहुत लंबा लंबा समुद्र के नीचे क्या बना हुआ, पहाड़ का सीरीज बना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अटलांटिक ओशियन में प्लेट कैसे मूव कर रहा है, एक प्लेट उधर जा रहा है और एक प्लेट इधर जा रहा है, यानी अटलांटिक जो ओशियन है वो बीच से फट रहा है ना, फट रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर डाइवर्जेंस मूवमेंट है। अब देखिए, अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट जो है जो इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जो आ रहा है, ठीक है, ये इधर आ रहा है, और साथ ही साथ ये पैसिफिक ओशियन का प्लेट है, ये पैसिफिक ओशियन का प्लेट है, ये पैसिफिक ओशियन का प्लेट है, ठीक है। तो अब जो पैसिफिक ओशियन है, ये जो है, जो वेस्टर्न साइड है ना, वो मूवमेंट कर रहा है इधर से, मूव कर रहा है इधर, और ये वाला किधर मूव कर रहा है, ये जो प्लेट किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है। यानी अभी क्या देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि जो ई है यूएसए, ये क्या है, यूएसए का प्लेट है, ये इधर मूव कर रहा है, देखिए अभी, है ना, ये देखिए अभी, ये वाला प्लेट, ये जो प्लेट है इधर मूव कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे पैसिफिक है, पैसिफिक देखिए, पैसिफिक दो पार्ट है, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, इधर वाला पार्ट यूएसए की तरफ है, और इधर वाला पार्ट किधर है, उधर पार्ट, मतलब आपका इंडोनेशिया है ना, जापान उधर साइड है। तो हम अभी इधर वाला का बात कर रहे हैं, पैसिफिक ओशन अगर गोल है, तो दो पार्ट, बीच में से दो पार्ट में टूट गया है पैसिफिक ओशियन, जो प्रशांत महासागर है वो दो पार्ट में टूटा हुआ, एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है, मतलब दो प्लेट है, एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है। इधर वाला प्लेट क्या है, यूएसए की तरफ है, और इधर वाला प्लेट क्या है, जापान है ना, इंडोनेशिया, वो उधर साइड वाला पार्ट है। तो हमको क्या बात कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं यूएसए का प्लेट और पैसिफिक ओशियन का, वेस्टर्न पार्ट, क्या पार्ट, वेस्टर्न पार्ट। तो ये जो प्लेट है वो मूव कर रहा है इधर, ये मूव कर रहा है इधर, और ये मूव कर रहा है इधर। अब देखिए, अब ये कौन सा मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है वो क्या है, वो जो है ये क्या है, कन्वर्जेंस, मतलब ये दोनों आपस में टकराएगा, और जब टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्ट्रॉय होगा, कोई ना कोई चीज यहाँ पे क्या होगा, टूटता हुआ हमको नजर आएगा। अब देखिए, ये यूएसए का प्लेट और पैसिफिक प्लेट आपस में क्या कर रहा है, ये दोनों टकरा रहा है। टकराने से क्या होगा कि जो ओशियन प्लेट होता है वो भारी होता है, ये जो प्लेट है वो इसके नीचे क्या होगा, दब जाएगा। दबने के बाद क्या होगा, नीचे से दब जाएगा, टकराने के साथ क्या होगा, दब जाएगा, क्योंकि ये भारी है और नीचे के बाद ये मेल्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा, अब ये इसी कारण से क्या हुआ, कि यहाँ पे जो आपके ये प्लेट है, जो इधर मूव कर रहा था, और यहाँ पे प्लेट था, ये प्लेट देखिए इधर मूव कर रहा है, तो ये भारी प्लेट था और ये हल्का प्लेट इधर मूव कर रहा था। तो हुआ क्या कि अब देखिए, इसके पास तो नदी है, और नदी का पानी सब कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। तो जब समुद्र में जा रहा है तो अपने साथ कूड़ा कचरा ढेर मिट्टी का सारा चीज लेकर करके सॉइल बालू सब नीचे क्या कर रहा है, नीचे गिरा रहा है। और यहाँ लगभग करोड़ों वर्षों तक क्या हुआ कि वो चीज गिरते रहा, तो वहां पर जमा हो गया। अब जैसे ही ये दोनों प्लेट यहाँ पे आया, तो बीच में था ये जो दोनों जगह, बीच में क्या है, यहाँ पे मट्टी था पूरा, और ये दोनों जैसे टकराया तो मट्टी भाग सब ऊपर उठ गया, क्या हो गया, मट्टी का भाग सारा ऊपर उठ गया, और ऊपर उठने के बाद क्या हो गया कि जैसे इस तरीके से ये जो पार्ट था, ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, ये दोनों इधर मूव किया। अब बीच में इसका समुद्र का पानी था, यहाँ पर लगातार नदी का पानी गिर रहा है, तो अपने साथ यहाँ पे मट्टी बालू सब चीज यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भर रहा है। जैसे ही ये चीज आगे टकराया, ये दोनों क्या किया, आगे टकराया,
तो हुआ क्या कि ये वाला पार्ट तो चला गया नीचे, ये पार्ट टकरा कर चला गया नीचे, और यहाँ पे क्या था बालू मिट्टी था वो सारा क्या हो गया टकरा करके ऊपर की ओर उड़ गया, हिमालय जैसा क्या ऊपर की ओर उड़ गया। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका का ये सब वही चीज हमको जो है यहाँ पे अमेरिका का जो ये वाला पार्ट है हमको यहाँ पे एक माउंटेन दिखाई पड़ता है इस किनारे पे, क्यों, क्योंकि किनारा वाला टकराया तो यहाँ जितना कूड़ा कचरा था सब ऊपर उड़ गया। उस वो क्या है, एक फोल्डेड माउंटेन है जिसका नाम है रॉकी माउंटेन। क्या नाम है? रॉकी माउंटेन। और सेम चीज यहाँ हुआ है, ये भी जो है वो इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, ये भी इधर आ रहा था, ये भी और पैसिफिक ओशन इधर इधर जा रहा था, है ना। जब टकराया तो यहाँ पर भी क्या था, कूड़ा कचरा था, तो क्या हो गया, कूड़ा कचरा पूरा मट्टी बालू पूरा था, और ये दोनों जब आपस में टकराया तो यहाँ भी क्या हो गया ऊपर उठ गया। तो यहाँ भी क्या हो गया कि बहुत बड़ा जो एंडीज माउंटेन है, हम लोग जो देखते हैं एंडीज माउंटेन, वो क्या है इसी जगह पे है, इसी किनारा पे। किनारा क्यों होगा, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्रूफ हुआ था। आखिर यहाँ बना कैसे, तो प्लेट के मूवमेंट के कारण हुआ है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि अटलांटिक ओशियन बीच से फट रहा है, प्लेट उधर मूव कर रहा है और इधर मूव कर रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ वोल्केनो का इरप्शन हो रहा है। साथ ही साथ ये जो प्लेट है ये इधर मूव कर रहा है और वेस्टर्न पैसिफिक उधर मूव कर रहा है ना। जब इधर मूव कर रहा है ये इधर मूव कर रहा है, तो दोनों टकराने से दोनों के किनारे पे क्या निर्माण हुआ है, पहाड़ का निर्माण हुआ। यहाँ तक समझ आया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, अब देखते हैं एशिया की, अब देखते हैं क्या एशिया। अच्छा, इस प्लेट में इस जगह पे क्या हो रहा है, ये जो अमेरिका या अमेरिका का प्लेट है, इस किनारे पे क्या हो रहा है, इस किनारे पे पर्वत पहाड़ का निर्माण हो रहा है ना। यानी यहाँ पे ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे डिस्ट्रॉयबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयर, एकदम टकरा रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए, ये एशिया है ना, यूरेशिया कह लेते हैं, यूरोप और एशिया का पार्ट अपना मिला लेते हैं। अब ये पूरा प्लेट है, ये प्लेट इधर मूव कर रहा है, उधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब अभी हम लोगों ने क्या देखा कि पैसिफिक ओशियन का दो पार्ट है, एक है ईस्टर्न पार्ट और एक वेस्टर्न पार्ट। जब ये मूव कर रहा है इधर और ये बीच से फट के, जो पैसिफिक जो ओशियन है वो बीच से फट गया, ये मूव कर रहा है, मतलब ये जो है वो इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। देखिए बीच से फट करके दोनों जो है ये इस साइड मूव कर रहा है और ये वाला जो था वो इस साइड मूव कर रहा है। तो देखिए जब ये इधर आएगा, जब ये पैसिफिक ओशियन जब इधर आएगा, है ना, पूरा इधर आएगा, तो होगा क्या, और एशिया का इतना बड़ा प्लेट जो उधर जा रहा है, उधर जा रहा है और उधर से इधर आ रहा है, तो होगा क्या कि यहाँ भी डिस्ट्रक्शन टाइप का क्या होगा, प्लेट बनेगा। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगा, है ना। यहाँ भी क्या होगा, पूरा डिस्ट्रॉय होगा प्लेट, यहाँ भी क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो ये चीज देखें हम लोग एशिया में क्या देखें, एशिया का यूरेशिया का पार्ट इतना बड़ा है, ये सारा इधर मूवमेंट कर रहा है। इस मूवमेंट का क्या हो रहा है, इस प्लेट के जो इस सिरा है यहाँ पे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट उस सिरा पे क्या हो रहा है, टूट रहा है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन से टकरा रहा है, तो वहां पर डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। यूरेशिया का ये चीज देखिए, अब दो चीज देख लिए, अब एक चीज देखना है, हमको देखना है ये वाला पार्ट, हमको देखना है इंडिया वाला पार्ट को देखना है, ठीक है। देखिए इंडिया का पार्ट जो है वो देखिए, इंडिया जो था पहले है ना, अगर हम जिक्सा के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलाते हैं तो ये यहाँ पर आगे फिक्स हो जाता है, मतलब ये पहले जो था वो अफ्रीका का पार्ट था। इंडिया किसका पार्ट था, अफ्रीका का पार्ट था। वो यहाँ से इस तरीके से मूव करते 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 लगभग अरबों वर्षों में यहाँ पहुंचा है। यानी इंडिया का जो प्लेट है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, उधर की ओर मूवमेंट कर रहा है, किधर की ओर मूवमेंट कर रहा है, उधर की ओर, ऊपर की ओर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है, ओके, और लगातार ऊपर की ओर क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है। इसे ध्यान देना होगा कि इंडिया है ना वो मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या हो रहा है, एक प्लेट इधर और एक प्लेट इधर। देखिए एक चीज यहाँ देख लीजिए, पहले सारा चीज पहले कहाँ था, अंटार्कटिका, मतलब सारा चीज पहले कहाँ था, सारा चीज को एक बार मिला दिया जाए, जो हम लोग बात किए थे पैंजिया, तो सारा चीज यहाँ पर था, लेकिन अब यहाँ से क्या सब हटते चला गया, तो एक प्लेट यही है और एक प्लेट जो है ऊपर की ओर हमेशा खिसकते जा रहा है, तो बीच में क्या आ रहा है, दरार आ रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, यहाँ पे क्या है, इस अंटार्कटिका और इस अफ्रीका का प्लेट के बीच में क्या है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, ये लगातार ये नीचे है। अब ये जो पार्ट है कंस्ट्रक्टिव जो पार्ट है, ये इधर घूम जाता है, इधर क्या हो जाता है, इधर घूम जाता है।
अब जब घूमता है तो यहाँ भी क्या, यहाँ भी दो पार्ट में बांटता है, यहाँ भी दो पार्ट में बांटता है। तो आप अक्सर देखते होंगे गुजरात में जो भूकंप आने का कारण बना था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, प्लेट जो है ऊपर की ओर खिसक रहा है, प्लेट जो है ऊपर की ओर क्या हो रहा है, खिसक रहा है। वो यहाँ जो प्लेट है वो इधर मूव कर रहा है, और इधर के इधर क्या रहा है, उधर की ओर मूव कर रहा है, उधर उधर उधर, ये वाला इधर 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 मूव कर रहा है, इधर हो रहा है क्या कि लगातार यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, मतलब यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी अंदर ही और अंदर क्या हो रहा है, बन रहा है, जिसके कारण से क्या होता है कि हमेशा यहाँ पर डिस्टर्बेंस कारण बना रहता है। तो हम लोगों ने देखा था गुजरात, गुजरात में जो भूकंप आया था है ना 2004 में, वो इस क्योंकि यहाँ पे वो साइट ही है, यहाँ भूकंप आएगा ही आएगा, यहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा। तो क्यों? क्योंकि अगर यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी जैसे अभी तक गुजरात में अब नहीं देखने को मिला, लेकिन एक समय आया था, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्लेट है, तो वोल्केनो एक्टिविटी अंदर में जितना ताकतवर होगा, उतना जितना ज्यादा स्ट्राइक करेगा, उतना यहाँ पे क्या करेगा, उसको यहाँ पे हमको इस प्लेट में हमको मिलेगा, वो फैलेगा, हॉटस्पॉट बनाएगा, हॉटस्पॉट बनाएगा और फोकस बनाएगा, फोकस बनाने के बाद उसको पूरा वाइब्रेशन पैदा करेगा। तो जितना पावर करेगा, तो वो बहुत पावरफुल था, तो भूकंप कहाँ तक पहुँच गया था, उस प्लेट का जो वाइब्रेशन था कहाँ तक पहुँच गया, गुजरात तक पहुँच गया था, इसके लिए यहाँ आया। लेकिन इंडिया का प्लेट लगातार इधर मूवमेंट कर रहा, ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है, हम जानते हैं कि ऊपर में क्या था, ऊपर में क्या था, एशिया का प्लेट है वो इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, और ये इंडिया इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या कि देखिए अब हुआ क्या कि ये जो था वो क्या था, ये है इंडिया, ये क्या इंडिया का प्लेट है, और ये जो है आपका ये है, और बीच में समुद्र था, बीच में क्या था, समुद्र था, इस समुद्र का नाम था तेथिस सागर, क्या नाम था, तेथिस सागर, किसके अकॉर्डिंग, प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग, कि ये जो था वो इंडिया का पार्ट था, इंडिया का पार्ट है। और हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया के चारों ओर क्या है, पानी है, इंडिया के चारों ओर क्या है, पानी है। तो ये जो था इंडिया का जो प्लेट है वो ओशियनिक प्लेट है, क्या है, इसने ये ओशियनिक प्लेट है, ये जो है वो अमेरिका की तरह, अमेरिका की तरह कोई लैंड वाला प्लेट नहीं है, वो क्या ओशियनिक प्लेट है, वो ये कंटिनेंटल प्लेट नहीं है, ये ओशियनिक प्लेट है, ओशियन में इंडिया है, ठीक है, ओशियन में, यानी ये क्या है, भारी है, ये क्या है, भारी है। और ये किसका पार्ट है, अफ्रीका का पार्ट है, तो अफ्रीका वाले पार्ट को क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। और बीच में था तेथिस सागर, इस क्या था, तेथिस सागर का नाम दिया गया था। और ये क्या था, ये आपका ऊपर में जो था एशिया वाला पार्ट था, एशिया वाला पार्ट था। अब जैसे जैसे इंडिया जो था ऊपर की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि अफ्रीका का पार्ट था, जैसे जैसे इंडिया ऊपर बढ़ रहा था, तो ये जो ये दोनों के बीच का स्पेस कम रहा है, बीच का स्पेस क्या हो रहा है, कम रहा है, बीच का स्पेस कम रहा है, तो यहाँ पे जितना मिट्टी था सारा चीज क्या हो गया, टकराने के बाद ऊपर की ओर उठ गया, और ये तीन स्टेज में ऊपर की ओर उठा। तो यहाँ पे क्या होगा, हिमालय का निर्माण हुआ था। हम लोग जानते हैं कि हिमालय का अभी तीन पार्ट है, एक ग्रेट हिमालय, एक मध्यम हिमालय, और एक शिवालिक। तो तीन स्टेज में क्या हुआ है, निकला है हिमालय, है ना। तो ये चीज याद रखना, इंडिया तो जो इंडिया है वो लगातार क्या रहा, ऊपर की ओर जा रहा था, और यहाँ पे लॉरेंसिया प्लेट था, यहाँ गोंडवाना लैंड प्लेट था, दोनों टकराया, तो बीच में जो मलवा था वो ऊपर की ओर उठ गया। तो जब ऊपर की ओर उठा, यहाँ पर हिमालय का निर्माण कर दिया, है ना, यहाँ का निर्माण कर दिया, हिमालय का निर्माण कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि हिमालय भी यहाँ तीन स्टेज में यहाँ पर निकला है, तीन बार ऐसा अभी तक टकराया है, तो तीन पार्ट यहाँ पे क्या हुआ, निकला है। अच्छा, इस जो ध्यान देना है, इंडिया के देखिए चारों क्या पानी है, चारों क्या पानी है, यानी ये ओशियनिक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट का पार्ट है, यानी ओशियनिक प्लेट का पार्ट है, इसका मतलब ये भारी है, और लगातार नदी उदी सब इसी पे गिरा रहा है, जितना भी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो मेन नदी है, कृष्णा कावेरी, जितना भी नदी है भारत का, सब इसी के बे ऑफ बंगाल में तो गिराता है, उसी का प्लेट पर तो गिरा रहा है, तो भारी होगा ही होगा। आप इस भारी कारण क्या होता है कि जब भी ये टकराता है ना, ये भारी है, तो ये घुसते जा रहा है, क्या होता जा रहा है, प्लेट जो है वो घुसते जा रहा है, किसके नीचे, इसके नीचे जो है प्लेट क्या हो रहा है, घुसते जा रहा है। तो अब जो मेन सेंटर होता है वो कहाँ था, ये सेंटर होता है मेन, यही वाला पार्ट जो है नीचे के घुसते जा रहा है, और यहीं पे क्या है, हिमालय है, यहीं पे क्या है, हिमालय, यहीं पे क्या है, यहीं पे क्या है, ये जो पार्ट है यहीं पे क्या है, हिमालय है, यहीं पे क्या है, हिमालय है, है ना, यहीं पे क्या है, हिमालय है, और उधर से प्लेट दूसरा है, ये दोनों जब टकरा रहा है, ये पार्ट हमेशा नीचे की ओर क्या होता जाता है, घुसते जाता है, यहीं पे ये मेन सेंटर, यहीं पर डिस्टर्बेंस का क्या है, मेन सेंटर है। तो आप अक्सर देखते होंगे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हमेशा जो है लैंड भूस्खलन स्थिति हमेशा हिलता डुलना यहाँ पे लगा हो रहता है। तो यहाँ पर नेचुरल है,
नेचुरल इस कारण से क्योंकि यहाँ प्लेट का बनावट ही ऐसा है, हमेशा वहाँ टकराते रहता है ना। सोचिए हिमालय का निर्माण 3 स्टेज में हुआ, जब जब टकराया होगा तब ऊपर की ओर निकला होगा, है ना। तो हमेशा जब जब ऐसा होता है तो वो क्या होता है, यहाँ पर भूकंप की स्थिति बन जाता है, चाहे भूस्खलन की स्थिति बन जाता है, ठीक है। और इंडिया पर लगातार घस घस ये हो रहा है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये चीज़ हम लोग जान गए। अब देखते हैं कि इंडियन ओशियन जो है उसको पैसिफिक, उसको जो है हम लोग रिंग ऑफ फ्लेम्स क्यों कहते हैं, रिंग ऑफ फायर वाला क्यों कहते हैं। अब देखिए रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, उस जगह को सबसे खतरनाक जगह वो क्यों है, उसको क्यों कहते हैं वो देख लेते हैं। देखिए अभी क्या देखे हम लोग कि देखिए मान लेते हैं ये पैसिफिक ओशियन, क्या है पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये अमेरिका, ये अमेरिका रेक्टेंगल, ये अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है साउथ अमेरिका, ठीक है। और इधर पटी ये हो गया एशिया, है ना, एशिया हो गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, यहाँ पे यूरोप हो गया। अब देखिए पैसिफिक कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे हो गया ये सब, ये अटलांटिक हो गया, है ना। अब देखिए पैसिफिक पड़ कहाँ रहा है, ये बीच पड़ रहा है, इधर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या पड़ रहा है, ये पैसिफिक ओशियन पड़ रहा है। इसको बड़ा कर देते, इसका ये बड़ा कर देते, ये पूरा पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा महासागर यही है। अब देखिए कारण, अब अभी हम लोगों ने क्या देखा कि पैसिफिक ओशियन का दो पार्ट है, पैसिफिक ओशियन का दो पार्ट है, एक पार्ट जो है वो अमेरिका की ओर टकरा रहा है और एक पार्ट जो है वो एशिया की ओर टकरा रहा है, और बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है वोल्केनो, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे से फैल रहा है, जब फैल रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, क्या बन रहा है कंस्ट्रक्टिव, मतलब यहाँ पे लगातार वोल्केनो एक्टिविटी आ रहा है। अब साथ ही साथ ये रीजन तो डिस्टर्ब है ही, ये रीजन जो है वो क्या है डिस्टर्ब है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे फट रहा है, तो वोल्केनो एक्टिविटी के कारण यहाँ पर्वत का निर्माण और इत्यादि इत्यादि चीजें यहाँ पे घटना घट रही है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ घटना घट रही है। और साथ ही साथ अमेरिका का प्लेट और ये प्लेट, ये जो है आपका ये जो प्लेट है वो क्या अमेरिका के प्लेट से टकरा रहा है, ये जो है प्लेट है वो साउथ अमेरिका के प्लेट से टकरा रहा है। अब जब यहाँ टकरा रहा है तो ये डिस्टर्बेंस हुआ कि नहीं, यहाँ डिस्ट्रक्टिव प्लेट हुआ, यहाँ टूट रहा है प्लेट, यहाँ प्लेट क्या है टूट रहा है, टूट रहा है, टूट रहा है प्लेट, ये पूरा टूट रहा है, टूट रहा है ना, ये प्लेट टूट रहा, टूट रहा है। साथ ही साथ ये वाला जो प्लेट है वो एशिया से टकरा रहा है, हिंद महासागर से इधर टकरा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ भी टूट रहा है, यहाँ भी टूट रहा है। अब देखिए अब इस पैसिफिक ओशियन का कोई ऐसा पार्ट है जो स्थिर है, स्थिर कहने का मतलब कि यहाँ पर शांति नजर आपको कहीं आ रहा है, यहाँ आग, यहाँ आग ही आग है, यहाँ पर भूकंप ही भूकंप है, क्योंकि टकरा रहा है दोनों प्लेट, भूकंप ही भूकंप है, है ना। और यहीं पर इंडोनेशिया, यहीं पर जापान वाला एरिया पड़ता है, अब यहीं पर हवाई आइलैंड, यहीं इधर हवाई आइलैंड इधर यहाँ पड़ता है। अब देखिए ये पूरा जो एरिया है वो डिस्टर्बेंस का एरिया है, इसलिए इसको पूरा रिंग ऑफ फायर कहते हैं, ये अग्नि का ज्वाला है ये पूरा एरिया, मतलब खतरा का ही खतरा ही यहाँ पे खतरा है। और खतरा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे क्या है खतरा है, ठीक है। बस ये चीज हमको याद रखना था, अगर आपको अगर पॉइंट बच गया तो बता देते हैं, खत्म हो गया पॉइंट, ठीक है। इसमें इतना डिटेल्स आपको बताया है, अगर आपको समझ में आया है वीडियो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।